एक कहता है बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम हैंगिंग लेंथ एल डिस्प्लेस फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से देखो, समझ में आना चाहिए। आई होप कि इस क्वेश्चन सभी लोग कर लोगे। सिंपल पेंडुलम को मैं इफ रिलीज वर्टिकल पोजीशन, तो अब अगर सिंपल पेंडुलम है, ये है हमारे पास सिंपल पेंडुलम जिसकी लेंथ L है, बॉब का मास M है। अगर मैं इसको थीटा डिग्री से रिलीज करता हूँ, यहाँ से ये ऐसे आर्क पे ऑसिलेट कर रहा है, अब यहाँ से मैं रिलीज करता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी? बहुत आसान है, एनर्जी कंजर्वेशन से लगा सकते हो। यहाँ ये अगर ये स्ट्रिंग की लेंथ L है तो ये थीटा है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई बोलो? L cos थीटा। इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, तो ये पूरा L है और ऊपर से L cos थीटा है, तो ये छोटू लेंथ कितना हो गया? L माइनस L cos थीटा, मतलब L 1 माइनस cos थीटा। अब एक काम करो, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा दो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पर रिलीज किए हो तो काइनेटिक गया जीरो, पोटेंशियल गया एम जी, और यहां से ये रिफरेंस लाइन है मेरा एल, एल वन माइनस कॉस थीटा लेंथ हाइट, और इस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो चला गया और काइनेटिक हाफ एम बी स्क्वायर हो गया, तो वेलोसिटी भी की वैल्यू आ जाएगी एम ने एम को, जीरो ने जीरो को, तो टू जी एल 1 माइनस कॉस थीटा अंडर रूट, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। प्लस माइनस का मतलब होता है कि इधर से भी होगा उधर से भी, दो दो डायरेक्शन होगी। जी एल 1 माइनस कॉस थीटा, अरे भाई कोई है, जी एल 1 माइनस कॉस थीटा, दैट इज ए ऑप्शन सही है। तो दिस इज द लेक्चर ऑफ SSM पार्ट 2। एक लेक्चर और इसमें बचा हुआ है, वो आप देखना अच्छे से और कोशिश करना कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना, मैं कैसे कर रहा हूँ। रोबोट की तरह फास्ट कैलकुलेशन करो, बी एक्टिव, बी एनर्जेटिक, बी पॉजिटिव। थैंक यू।